गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज छुट्टी है, स्टॉक मार्केट बंद है और मॉर्निंग में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ अराउंड 10:30 सो दैट वी हैव दी लेवल्स रेडी फॉर टुमारो और आप उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर पाओ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किन लेवल्स के ऊपर मार्केट डांस कर सकती है और कल क्योंकि है एक्सपायरी, किस तरह आप एक्सपायरी को बना सकते हैं एक बूम दे बम एक्सपायरी। कौन सा होगा वो सेटअप जिसके ऊपर काम करके आप हमेशा की तरह अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का डेली का चार्ट है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल आपको दी है। दिवाली की एक हॉल्ट कैंडल के बाद में एक बड़ी रेड कैंडल का बनना काफी लोगों का मानना है इट्स अ बेरिश सिग्नल और मार्केट यहां से नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन यहां क्या मार्केट यहां से गिरनी चाहिए या थोड़ा सा और ऊपर स्पेस बाकी है? मुझे लगता है थोड़ा सा स्पेस अभी भी बाकी है। जिस बात की पुष्टि कंफर्मेशन मिल रही है हमें एक्सजेएस निफ्टी से, बिकॉज एक्सजेएस निफ्टी इज शोइंग 150 points अप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा 178 point अप, बहुत अच्छा जा रहा है। और ये जो कैंडल बन रही है इट्स अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और मार्केट थर्सडे को भी एक गैप अप ऊपर की तरफ दे सकती है। बकाल निफ्टी की बात करें, सबसे पहले एनालिसिस की बात करेंगे, कर लेते हैं एलियट वेव की बात। और एलियट वेव की बात करेंगे हम 4 आवर के चार्ट के ऊपर। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दे रहा है। ये आपका एक डब्ल्यू पैटर्न है जिसका टारगेट इस लाइन के आसपास आता है। इसका नंबर क्या आता है एक बार एग्जैक्टली देख लेते हैं। इसका जो डब्ल्यू का हाई है That comes around 17,920. और Elliott wave के हिसाब से अगर ये third wave है, this is the first wave, second wave, ये third wave, तो third wave कितनी जा सकती है? वो भी हमने किया था 161% देख लेते हैं कितना निकलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि market में इसके दो target होते हैं। पहला इसका center, जो ये already वो भी इसने touch नहीं किया है। इसका बेसिकली सेंटर है तो मार्केट 17,846, ठीक है, ये एक मेजर लेवल है जहां पर मार्केट टच करके अपनी फोर्थ वेव नीचे की तरफ बना सकती है और मार्केट उसी लेवल के आसपास, ये देखिए मैजिकल नंबर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या मार्केट यहीं से वापस जाएगी? और अगर ये एक्सटेंड होती है तो मार्केट इस लेवल को टच करने वापस जा सकती है। इसके बाद ये किसी भी लेवल से वापस नीचे की तरफ आ सकती है, तो उस समय हमें बाइंग के लेवल कम और मार्केट में रिवर्सल खेलने के लेवल्स ज्यादा देखने होंगे। फोर्थ वेव के बाद आपकी फिफ्थ वेव भी शुरू होगी ऊपर की तरफ, उसके क्या लेवल बन के आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें थर्ड का टॉप डिसाइड करना पड़ेगा ताकि हमें पता लग सके कि मार्केट कितना नीचे गिर सकती है। अगर मैं अभी मान के चलूं कि निफ्टी के अंदर हमारा 846 का जो लेवल है ये ही एक रिवर्सल लेवल है थर्ड वेव का, यहां से आपको जो रिट्रेसमेंट आती हुई दिखाई देगी हम देंगे सेकंड के लो से इसका हाई। यहां पर आपके दो नंबर बनते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। मार्केट यहां से निकलती है, अगर मार्केट इज वेरी बुलिश दैट मींस इफ दिस इज अ वेरी बुलिश ट्रेंड, तो मार्केट 17,634 के लेवल से वापस यहां से जब नीचे की तरफ गिरेगी यहां से बाउंस लेके पांचवी वेव का शुरुआत कर सकती है। और अगर मार्केट खाली बुलिश हुई, जिसको हम बोलते हैं बुलिश हुई, This is very bullish, this is bullish. So market आपका 38% तक आएगा और यहाँ से 17,500 के लेवल से आपको एक bounce आता हुआ दिखाई देगा Elliott wave के हिसाब से। Market 38% के नीचे नहीं जाने चाहिए क्योंकि अगर 38% के नीचे जाती है तो last आपका option बनता है 17,398 का। इस particular case के अंदर जो trend हो जाएगा वो weak हो जाएगा और ये 50% मैक्सिमम है और ये रेयर होता है गाइस। 50% जो होता है वो रेयर होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता जरूर है लेकिन रेयर होता है। नॉर्मली जो देखा गया है 60-70% ऑफ द टाइम मार्केट मैक्सिमम 38% से बाउंस ले लेता है, लेकिन अगर ये 50% के दर्शन कराता है आपको उसके इसके में वीक हो जाएगा। और अगर ये 50% के नीचे चला जाता है देन इट्स द एवैल्यूएशन दैट हैव डन फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ जो हम एवैल्यूएशन कर रहे हैं दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट the Elliott wave that we know, then in that particular case this can be first wave, this is A B C of first wave and the third bigger wave can start, but anyways having said that
लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स अज्यूम कि मार्केट यहीं से वापस घूमेगा या यहां से वापस घूमेगा, क्योंकि मुझे बुल ट्रेंड के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ये रहा एलियट वेब का एनालिसिस फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। यहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो यहां से इसने सबसे पहले एग्जैक्टली 50% से सपोर्ट लिया। जो सेकंड वेव है वो 61% से जाती है, 50 से गया, दैट मींस स्ट्रेंथ वाज वेरी बुलिश। यहां से इसका जो लेवल निकल के आते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं 161% के हिसाब से। सेकंड थर्ड वेव कितनी जा सकती है, यहां से हमने किया ये और इसका ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है। अब ये एक्स्ट्रा जा रहा है जितना जा रहा है। इसका जो लेवल बनता था गाइस वो था ये, जो इसने दिवाली वाले दिन ही अचीव कर लिया था, निफ्टी नहीं किया था लेकिन बैंक निफ्टी ने कर लिया था, ये इसका टारगेट था। इसके ऊपर अगर ये निकलती है तो एक्सटेंडेड है और ये इसके बीच में मैक्सिमम यहां तक जा सकती है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम जो हमारा ऊपर का लेवल है 42,065 का लेवल है, जहां तक के लेवल्स हम देख सकते हैं मार्केट में। एक्सटेंडेड अगर वेव होती है, जो थर्ड वेव अगर एक्सटेंडेड होती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो फिफ्थ वेव होगी वो स्मॉलर हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि थर्ड वेव एनीवे सबसे बड़ी होती है लेकिन फिफ्थ वेव पे थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मान लूं कि मार्केट इसको टच करके वापस आ गया, देखा टॉप कहां बनता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, तो यहां से आपका हम निकालेंगे कि मार्केट कितना गिरेगा। अगर मान लो गैप अप होता है और यहीं से 42,000 के आसपास से मार्केट गिरती है तो करते हैं डिलीट, सेम सिनेरियो रहेगा, मार्केट वापस आएगी नीचे की तरफ यहां से 23% तक, यहां से अगर वापस लेती है जो कि 41,185 या 38% तक जो कि 40,654, और रेयर केस के अंदर क्या होगा, रेयर केस के अंदर 40,225 की लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का बैंक निफ्टी स्ट्रांग है आपको 41,000 तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मार्केट यहीं से बाउंस मारना चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर वही सिनेरियो सेम रहेगा, वेरी बुलिश, इससे अगर वापस लेता है रिवर्सल लेता है तो बुलिश, और अगर 50% से लेता है तो विच इज रेयर वीक, ठीक है। ये ट्रेंड का सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर आपको मल्टीपल कंफर्मेशन भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनके बारे में भी देखना बहुत जरूरी है। और डेली चार्ट के ऊपर मैं आ जाऊँ, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करेगी, मार्केट यहाँ क्या बनाने की कोशिश करेगी। देखिए ये एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना, अगर मार्केट यहाँ से फोर्थ का डिप लेती है तो एक और शोल्डर बनाएगी, ठीक है। जो फोर्थ वेव हमारी आएगी, जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फोर्थ वेव बनती है और उसके बाद में फिफ्थ के लिए जाता है, तो गाइस ये एक शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा और मार्केट उस बार उसके बाद जो टारगेट है वो भाई यहां से लेकर यहां तक कितने पॉइंट से, सॉरी 2,000 पॉइंट की रैली के लिए तैयार रहेगा मार्केट। उसके बाद हमारा जो नंबर है 45,000 के आसपास का, वो नंबर आपको आराम से आता हुआ दिखाई देगा और मार्केट इसी नंबर्स के लिए निकलने की कोशिश करेगी। तो ये एक कंफर्मेशन हो गया। दूसरी कंफर्मेशन करके बात करें तो गाइस यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट इसने ऑलमोस्ट दे दिया है, वो कंफर्मेशन तो आपके पास ऑलरेडी था। एक और कंफर्मेशन जो बहुत रेयर है और शायद आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिस्टर शर्मा जी का फेवरेट पैटर्न वो क्या है। बहुत सारे लोग जो मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी गेस कर पाए मेरे बताने से पहले कि कौन सा पैटर्न है जो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और गाइस ये पैटर्न जब बनता है ना मार्केट उठता नहीं उठ जाता है, मार्केट उठता नहीं उठ जाता है गाइस। दिस इज अ कप एंड हैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और इसकी भी रेंज जो आपको देखने को मिल रही है कप की, दैट इज समवेयर अराउंड 9,000 पॉइंट्स, बट इट्स ऑन अ वीकली। ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा, बोले सर जी आपने तो बोला था 9,000 पॉइंट की रैली, नहीं सर, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे जो कप और हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी डेप्थ जो है वो 8,000 से 9,000 पॉइंट की है, यस, लेकिन किंतु परंतु ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है और वीकली टाइम फ्रेम में आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये सब वीकली टाइम फ्रेम का जादू। ये खुद सोच के चलिए कि अगर एक सेटअप को बनने के लिए, ये पूरा सेटअप अगर देखेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट भी नहीं हुआ अभी, करीब करीब 58 वीक्स दिखा रहा है। सो अगर 58 वीक्स लगे हैं, एटलीस्ट इसका हाफ
आप मान के चल सकते हैं 25 से 26 हफ्ते तो आराम से लग सकते हैं आपका टारगेट आने में, तो वो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कर रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन भी कर रहा है अभी भी। यहाँ से अगर मैं लूँ बेसिकली इसने इसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को बनाता हूँ कुछ ऐसे, तो अभी ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए एक बार उस ब्रेकआउट देने से पहले। हालांकि ये स्ट्रक्चर भी एक बुलिश स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये भी एक बुलिश स्ट्रक्चर ही है, कंसिडर किया जाएगा। वापस आया, रिजेक्शन मिला, वापस आया, रिजेक्शन मिला, यहाँ पर गया। अब दिस इज अ कंसोलिडेशन, दिस इज अ साइन ऑफ अ ब्रेकआउट। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छा लिफ्ट निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद आपको साफ साफ बता दूं, बैंक निफ्टी जिस तरीके से फटने वाला है, बैंकिंग स्टॉक जिस तरीके से फटने वाले हैं, वो देखने लायक होंगे। आपको नजर बना के रखनी है बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, साथ में प्राइवेट जो पीएसयू बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, इनके ऊपर, पीएसयू बैंक्स के ऊपर भी नजर बना के रखें, क्योंकि उनके सेटअप इतने अच्छे खासे बन रहे हैं ना, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, ये है बड़ा एनालिसिस बैंक निफ्टी निफ्टी। ठीक है, इसको भी बंद करते हैं, आवर्ती चार्ट के ऊपर चलते हैं। उससे पहले गाइस, लेवल्स डिस्कस करने से पहले एक्सपायरी पर आपको करना क्या है वो देख लेते हैं। देखो मेरी दो स्ट्रैटेजी हैं एक्सपायरी स्पेशल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक्सपायरी स्पेशल की, जो आपकी है वो क्या करना है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी पता है, 9:20 पर आपको बैंक निफ्टी के एक सी एक पी दोनों बाई करनी है विद अ प्रीमियम ऑफ 40, विद अ प्रीमियम ऑफ 40। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा 60% ऑफ द प्रीमियम। अब डिपेंड करता है आपने 40 पे लिया है, 45 पे लिया है, 42 पे लिया है, 35 पे लिया है, 37 पे लिया है। 60% ऑफ द प्रीमियम वुड बी योर SL। वट वुड योर टारगेट? ठीक है, वट वुड बी योर टारगेट? 200% विल बी द टारगेट ऑफ द प्रीमियम एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, एक स्ट्रैटेजी जिसको हम यूज करते हैं। दिस एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ दिस इज अराउंड 70-80%। ठीक है, हफ्ते में एक बार आपको स्टॉप लॉस जरूर देता है, लेकिन जिस दिन आपको प्रॉफिट देता है उस दिन पूरे महीने का पैसा इकट्ठा ही दे देता है अच्छा खासा। ठीक है, मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलते हैं आपको अच्छे खासे, अच्छा अच्छा पैसा जो है वो बनने को दिखाई देता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो एक्सपायरी वाले दिन। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आपको यूज करनी है वो करनी है जीरो हीरो। ठीक है, जीरो हीरो में क्या करना है गाइस, मार्केट अगर मान लीजिए थर्सडे को पूरा दिन ऊपर की तरफ चलती रही, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो 2 बजे के पास आपको ये देखना है कि मार्केट 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जो टाइम होता है ना आपका, कौन सी साइड पे चली है, बुल साइड पर या बेयर साइड पर, कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी या मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ये आपको जो है पहले डिसाइड करना है, देखना है ट्रेंड को। ठीक है, जिस साइड भी आपका ट्रेंड 12 बजे से 2 बजे तक था, मोस्ट प्रोबेबली 2 पीएम आपको एक ऑपोजिट कैंडल रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, जिसको हम रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं, 2 पीएम रिवर्सल ट्रेड वो देखने को मिलेगा, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसका प्रीमियम 15 रुपीज से लेकर 25 रुपीज के बीच में है, ठीक है, रिवर्सल, मान लो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो पुट साइड पर ट्रेड मिलेगी, अगर नीचे की तरफ गिर रही थी 12 से 2 तो कहाँ पर मिलेगी, कॉल साइड पे, करेक्ट। ठीक है, कॉल साइड पर ट्रेड मिलेगी, तो आपको ऐसा कॉल या पुट का प्रीमियम देखना है जो 15 से 20 पॉइंट का इसका प्रीमियम चल रहा हो। इसके अंदर चाहो तो आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप 0 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, लॉस जो है वो सिर्फ 25 पॉइंट का है। इसका टारगेट होता है 2x एंड 3x, मतलब 25 का 50 आ जाए तो निकल जाओ, ठीक है, और 75 आ जाए वो निकल जाओ, कई बार तो 100-200 भी जाता है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ये क्लियर है? ठीक है, तो आप 15 से 25 वाला बाय कर सकते हो। एक पार्ट तो ये हो गया इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा पार्ट ये गाइस जो मैंने वीडियो के अंदर भी नहीं बताया है, आपको आज बता देता हूँ, बहुत सीक्रेट है जीरो हीरो का, कि आप क्या कर सकते हो कॉल का भी और पुट का भी, जिसका भी प्रीमियम 15 से 25 रुपए चल रहा हो,
ठीक है, दोनों को आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है एक्सपायरी वाले दिन, सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन। 15 से 20 रुपए जिसका प्रीमियम चल रहा हो, ठीक है, आई प्रेफर 20 रुपए वाला कोई भी बाय कर सकते हैं, 25 रुपए वाला बाय कर सकते हैं, बाय नहीं करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है। और आपको नजर बना के रखनी है कि 2 बजे के बाद कॉल साइड या पुट साइड कौन सी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 35 रुपीज से ऊपर जा रहा है। अगर कोई भी साइड का प्रीमियम 35 से ऊपर निकलता है, चांसेस आर देयर मोस्ट लाइकली 90% कि वो साइड ही आपका हीरो बनेगा, वो साइड ही आपका हीरो बनेगा। तो आप वॉचलिस्ट में ऐड करो, जो 35 क्रॉस करता है उसको बाय कर लो, ये इसका सेकंड बन सकता है। और अगर आप, अगर इन केस यू हैव ऑलरेडी परचेज समथिंग 15 to 20 आपने बाय कर रखा है, ठीक है, 15-20 ऑलरेडी बाय कर रखा है अपने हिसाब से, और वो 35 क्रॉस करता है, तो 35 के बाद में और भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि वो डबल होना ही वाला है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को याद रखिएगा, अगर ये स्ट्रैटेजी समझ में आई हो साथ के साथ पसंद भी आई हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस, एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट, लेवल्स देख लेते हैं किस तरीके से लेवल्स बन रहे हैं। To save your time, guys, I have already made the levels. This is the level. 41222 के ऊपर मार्केट निकलता है, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, तो 41429 आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 41727 और लास्ट लेवल रहेगा 41940 का, ठीक है। अगर मार्केट आपको मिलती है 41914 के नीचे, यहाँ पर आपको सेल की पोजीशन बनानी है, पहला टारगेट रहेगा 40713 और उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 40,405. Now looking at the conditions right now, अगर मार्केट 170 पॉइंट के आसपास ओपन होती है, तो मान के चलो कि मार्केट 300 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में भी गैप अप हो सकता है, दैट मीन्स 41,300 के आसपास मार्केट खुल सकती है। तो आपकी मोस्ट लाइकली जो मार्केट खुलना चाहिए वो इस जोन के अंदर मार्केट खुलनी चाहिए, इस जोन के अंदर 400 के नीचे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। अगर मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, 41,429 को ब्रेकआउट करता है, 5 मिनट के कैंडल क्लोज करता है, बाय करना। 41,729.26 आपका पहला टारगेट, 41,940 आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ बीच में ओपन करके नीचे की तरफ फॉल डाउन करना शुरू करता है और नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल बनाता है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, यहाँ पर फिर से बाय करेंगे 41,029 के पहले टारगेट के लिए, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट के लिए। ऐसे इसको आपको प्ले आउट करना है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें, ठीक है, ये निफ्टी के लेवल्स रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले अगर आपको बाय कहाँ करना है, 17,699 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो बाय करेंगे, 17,766 पहला टारगेट होगा, 17,875 दूसरा और 17,945 तीसरा। इसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ गाइस, अगेन आई सेड बिफोर एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आई एम थिंकिंग दैट मार्केट का क्लोजिंग 17,000, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, 400 से लेकर 17,850 के बीच में होना चाहिए। मुझे एक्सपायरीज के बीच में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, रिगार्डलेस मार्केट अभी 17,823 दिखा रहा है, अभी 46 दिखा रहा था, या 50 के ऊपर भी मार्केट काफ़ी बार जा चुकी है, मुझे क्लोजिंग इसके बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता नहीं कि 850 के ऊपर क्लोजिंग होगी, फिर भी मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ 17,945, ये मुझे मैक्सिमम लेवल दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो 17,589 के नीचे आप सेल की पोजिशन पर बैठ सकते हैं, 528 और 17,418 दो। अगर मार्केट इसको देखकर 823 के आसपास देती है तो मार्केट आपकी इस जोन के बीच में ओपन होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं पर सेम सिचुएशन, यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, बाइक नहीं करना है, नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ पर बाइक की पोजीशन बनेगी, ये तोड़ती है तो सेल की पोजीशन बनेगी, ठीक है, 17,766 तोड़ती है तो सेल की पोजीशन बनेगी। बट वेट कीजिएगा, मार्केट को यहाँ पर आकर बुलिश होती है तो यहाँ से आकर 17,875 का पहला टारगेट रहेगा, इसके बाद 17,947.45 आपका दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे निफ्टी के अंदर। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है गाइस, मार्केट अगर मान लो रात को ये और भागता है और मार्केट किसी भी वजह से निफ्टी स्पेशली 200 पॉइंट से ऊपर का गैप अप देता है, 200 पॉइंट से ऊपर का गैप अप देता है, देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट के साइडवेज जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनफैक्ट 180 के ऊपर भी।
ठीक है, साइडवेज जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर किसी भी वजह से 500 पॉइंट से ऊपर की गैप अप देता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि इतना होगा नहीं होगा, तो साइडवेज जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक्सपायरी जो इतनी खास नहीं जाने वाली, हालांकि एक्सपायरी अभी भी ट्रेंडी दिखा रहा है, लेकिन वो सारा जूस जो निकलना था चार्ट के ऊपर इंट्राडे के अंदर, वो सबका सब खत्म हो जाएगा गैप अप के अंदर ही। तो उस केस के अंदर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ट्रेड करना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने एक्सपायरी की ऑलरेडी दो ट्रेड्स आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ट्रिक बता चुका हूँ कौन सी कैसी यूज करना है। और आपको अगर बेसिकली वीडियो देखनी है तो मेरे ट्रेडिंग में तरुण के चैनल के ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, जाके सर्च कीजिएगा जीरो हीरो, मेरे चैनल के अंदर वीडियोस के अंदर आपको जीरो हीरो की वीडियो भी दिखाई दे जाएगी, साथ के साथ में एक्सपायरी स्पेशल जो स्ट्रैटेजी मैंने दे रखी है वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, और आप उन दोनों को सीख कर अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, प्यार देना ना भूलेगा उन वीडियो को, ठीक है। आई विल बी ट्रैवलिंग गाइस दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक एज वेल, सो डोंट फॉरगेट, आई विल बी कमिंग लिटिल लेस लाइव, शायद कल मैं लाइव आ पाऊँ या ना आ पाऊँ वो देखना पड़ेगा। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टे कनेक्टेड एंड बी लाइव सो दैट आई कैन हेल्प एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मदद हो जाती है, तो उनको मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पर गाइस अगर देखेंगे तो चैनल के ऊपर चले जाएगा, और चैनल के अंदर यहाँ पर वीडियोस के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जीरो हीरो करेंगे तो ये आ जाएगा, बैंक निफ्टी सीक्रेट हाउ टू बी जीरो हीरो, और एक्सपायरी स्पेशल स्पेशली करेंगे तो एक्सपायरी स्पेशल लाइव ट्रेडिंग नहीं होगी, एक्सपायरी स्पेशल आपको वो भी मिल जाएगी स्ट्रैटेजी, तो देखकर आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये तो आप जैकपॉट ऑफ एक्सपायरी, ओके ठीक है, तो इन वीडियो के अंदर सर्च करके आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस हमारा एक नया चैनल है विच इज ट्रैवलिंग विद तरुण, इफ इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस, इट विल बी ग्रेट सपोर्ट इफ यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवलिंग विद तरुण। आई विल बी पोस्टिंग फ्यू व्लॉग्स बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड आई एम ट्रैवलिंग दिस मंथ नेक्स्ट मंथ अ लॉट, आई विल बी व्लॉगिंग इट एंड बेसिकली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो अगर आप जुड़ा रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्रैवलिंग तरुण, इसके ऊपर आपको बहुत जल्दी बेसिकली वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। मेरा पहला मुंबई का ब्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके हो, और इस वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था इन द एंड, एंड बहुत सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है उसी कंट्री का होने वाला है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखो, और उस क्वेश्चन का जवाब आप भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और वो ब्लॉग की शुरुआत आज से हो जाएगी, और बहुत जल्दी वो नया ब्लॉग भी बाय दिस वीकेंड विल बी अप ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू यू नो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद मेनी पीपल एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। ऑल सी यू गाइस इन द मार्केट, वंडरफुल इवनिंग।